मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्रॉप एम के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो अपना ब्रेकर ड्रॉप एम है या फिनिशर ड्रॉप एम है, उसका फंक्शन क्या क्या चीज़ है, मेन फंक्शन क्या क्या चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले देखिए, चाहे वो कॉटन हो, सिंथेटिक हो या सिंथेटिक ब्लेंड हो, कोई भी वेराइटी का मटेरियल चलाओ, लेकिन उसका सबका फंक्शन एक ही रहता है, आप भी ध्यान रखें। फंक्शन में देखिए, सबसे पहला फंक्शन है, एक नंबर पॉइंट है इक्वलाइजिंग। इक्वलाइजिंग मतलब जो ड्रॉप एम में जैसे अपन 8 स्लाइबर लगाते हैं, 6 स्लाइबर लगाते हैं, जब वो चालू करते हैं, वो सब जैसे समझ लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे मोटा पत्र है स्लाइबर, ठीक है, ऐसे ही है, मोटा पतला है, और एक मोटा पतला ऐसे है। ये जब अपन 7-8 स्लाइबर मिक्स करेंगे ना, वो सब मोटा पतला जो रहता है वो मर्ज होके इक्वल, मतलब ग्राम पर मीटर का आ जाएगा। मतलब रिफाइनिंग इविननेस, इविननेस जो होता है, मोटा पतला जो होता है, अनइविननेस को जो बोलते हैं, अनइविन नहीं रहेगा। इक्वलाइज करेगा क्या चीज़, इविननेस बढ़ाएगा, मतलब मोटा पतला पूरा ख़त्म कर देगा। रिफाइनिंग ऑफ स्लाइबर ऑन लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। अच्छा, ये जो रहता है इक्वलाइजिंग क्या करेगा, द शॉर्ट टर्म मतलब समझ लो, एक 100 मीटर का स्लाइबर है, शॉर्ट टर्म मतलब एक एक मीटर का भी आप देखोगे इसमें मतलब मोटा पतला रेशियो बहुत कम रहेगा। लंबी टर्म में देखोगे, जैसे समझ लो 100 मीटर का देखोगे, उसमें भी मोटा पतला कम रहेगा, लेकिन कार्डिंग स्लाइबर में नहीं रहता ऐसा। तो इसमें शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कभी भी स्लाइबर आप चेक करना, वो बराबर इक्वल करके ही छोड़ता है। कार्ड स्लाइबर ऑन इविननेस कम्प्लीटली क्लियर ऑन ड्रॉप एम, यही बात बता रहा था। कार्डिंग का स्लाइबर का जो ऑन इविननेस रहता है, मोटा पतला रहता है, ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है ड्रॉप एम में। ड्रॉप एम में जैसे कि अपन 2 पैसे देते हैं, उसमें वो पूरा क्लियर कर देता है। ब्रेकर में थोड़ा बहुत होता है, फिनिशर में पूरा पूरा ख़त्म कर देता है, मतलब आपको इविननेस वाला स्लाइबर मिलेगा। अच्छा, पैरालेलाइजेशन मतलब पैरालेल करता है स्लाइबर, जैसे समझ लो ये एक स्लाइबर का एक्सिस है, इसमें सब फाइबर होता है ड्रॉप एम में, ऐसे सीधा सीधा रहेगा, ऐसे सब सीधा सीधा रहेगा। ये पैरालेल करने से क्या होता है, पैरालेल करने से अटेंडिंग आर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ टेनासिटी इन द यार्न। ये पैरेलल करने से क्या होता है, देखो फाइबर जब पैरेलल होगा तो अल्टीमेटली अपन को रोबिंग बना के धागा बनानी, धागा बनाने से क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है। पैरेलल का होने के बाद क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो आपको जैसे बता दूँ, एक एग्जाम्पल बता दूँ, समझ लो आपकी मतलब सब लो एक ऐसे ऐसे मतलब 4-5 डंडी है, ठीक है, और मैं बोलूँगा ऐसे ऐसे 5 डंडी है, देखो ऐसे आड़ा टेढ़ा है, ऐसे ये भी 5 है। तो इसको अगर अपन पकड़ के खींचेंगे, कौन सा स्ट्रेंथ अच्छा आएगा, इसका ही आएगा, क्योंकि वो 5 मिल जाएगा एक ही जैसा दिशा में, तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। और इसको अगर आप पकड़ के खींचोगे, पकड़ के ऐसे तोड़ने चाहोगे, कोई फिसल जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई टूट जाएगा, ऐसे होगा। तो ये पैरेलल होने से मेन चीज़ तो टेनासिटी बढ़ता है, यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ता है, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़, फाइबर अलाइंड पैरेलल ड्यू टू ड्राफ्टिंग प्रोसेस। वो पैरेलल कैसे होता है ना, ड्राफ्टिंग का प्रोसेस में। ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या ड्राइंग का होता है, जैसे ड्राइंग में आपको पता है, चाहे 3 रोलर हो, 4 रोलर हो, 5 रोलर हो, तो ड्राफ्टिंग जोन में फाइबर लेंथ से थोड़ा अपन, जैसे यह ड्राफ्टिंग जोन है, ठीक है, ये टॉप रोल रहता है ऊपर, जो इसका अंदर फाइबर पास करता है, तो ये थोड़ा स्पीड कम में घूमता है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा घूमता है, ये सबसे ज़्यादा स्पीड में घूमता है। जब स्पीड से खींचेगा
फाइबर इसको पैरेलल की दिशा में लेके इसको खींचता रहेगा तो ड्रफ्टिंग होने के कारण मेन चीज पैरेलल होता है। उसके बाद देखो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग जैसे समझ लो आपकी पीसी का ब्लेंड चलाते हो या मिलाज का चलाते हो, चार पांच वैरायटी का मटेरियल आपने मिक्स कर रखा तो कार्डिंग स्टेज से जो स्लाइबर आएगा उस पर थोड़ा अलग अलग वैरायटी का दिखेगा, मतलब जैसे दिखेगा उसमें कुछ शेड वेरिएशन है जैसे अलग दिखेगा, मतलब मिक्स जैसा दिखेगा। लेकिन जब आप ब्रेकर चलाओगे उसके बाद फिनिशर चलाओगे पूरा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो फाइबर होता है मतलब स्लाइबर के अंदर ड्रॉप फ्रेम का फिनिशर स्लाइबर जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी कोई ब्लेंड वाला मटेरियल चलाते हैं, चाहे पीपी हो, पीसी हो या मिलाज का हो, तो वो ब्लेंड वाला मटेरियल का क्या करते हैं, हम फिनिशर स्लाइबर का ही ब्लेंड टेस्ट कराते हैं। और फिनिशर का स्लाइबर जो ब्लेंड टेस्ट कराते वही लगभग यान का ब्लेंड आ जाता है। और वो ड्रॉप फ्रेम केस में क्या होता है, देखो ड्यू टू डबलिंग कंपेंसेशन ऑफ रॉ मटेरियल मिक्स्ड वेरिएबल, जैसे डबलिंग करते अपन ड्रॉप फ्रेम में रॉ मटेरियल जैसे थोड़ा बहुत कार्डिंग में वेरिएशन है इसमें पूरा मतलब मर्ज हो जाता है। मतलब जैसे आठ स्लाइबर समझ लो ब्रेकर में लगाए, ठीक है, फिर आठ स्लाइबर अपन फिनिशर में लगाए, ये कितना हो गया, आठ गुना ड्राफ्ट हो गया, फिर इसमें आठ ड्राफ्ट मतलब 64 टाइम्स वो फाइबर खिंचाई हो गया, मतलब अटेन्यूएशन हो गया, तो 64 गुना जब खिंचाई हो जाता है तो उसमें पूरा मर्ज हो जाता है, मतलब ब्लेंड जो होता है बिल्कुल इतना परफेक्ट हो जाता है, जो ब्लेंड आप चाहोगे वही निकल जाता है। उसके बाद देखो कैन बी कम्बाइंड ऑल टूगेदर टू एक्वायर पर्टिकुलर ब्लेंड रेशियो, जब आप आठ ड्राफ्ट दे दिया समझ लो ब्रेकर में, आठ दे दिया फिनिशर में या छः दिया, तो जो भी दिया अपने ड्राफ्ट जब दोनों डिलीवरी फाइनल होके माल निकलेगा फिनिशर निकलेगा, समझ लो अपने ब्लेंड चाहते हो 52-48 तो इसका रेंज में आ जाएगा, मतलब 0.25% प्लस माइनस 1.25 आ जाएगा, मतलब प्लस साइड आ सकता है माइनस साइड आ सकता है लेकिन अपना रेंज में आ जाएगा। और ये जो धागा है इसका सैंपल आप कहीं से लो या फिनिशर का ड्रॉइंग का स्लाइबर कहीं से भी लो, एक जैसा ब्लेंड आएगा, ब्लेंड कभी अंतर नहीं आएगा, ड्रॉप फ्रेम फिनिशर होने के बाद कभी ब्लेंड में अंतर नहीं आता, बराबर बिल्कुल एक्यूरेट ब्लेंड बैठता है। देखिए ड्रॉप फ्रेम का फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, ये फंक्शन तो उसका ड्रॉप फ्रेम का कोई भी ड्रॉप फ्रेम में रहता है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे अपना एक ड्रॉप फ्रेम का टॉप रोल का इंटरचेंज का शेड्यूल एक दिखाया था, हर दो दो घंटे में चेंज करने से क्या फ़ायदा होता है, इसको भी ज़रूर अडॉप्ट करना पड़ेगा तब जाकर ड्रॉप फ्रेम आपके अच्छा रिजल्ट देगा। और एक चीज़ दिया था मैंने ड्रॉप फ्रेम में जो अपना जो शेड्यूल मेंटेन के साथ साथ एंड बूस्ट वगैरह भी बराबर इसको मेंटेन रखने के लिए कार्ड्स रखने के लिए वो शेड्यूल जब अपन मशीन में चिपकाएंगे इसका चेक करना जरूरी है। अगर आप शेड्यूल चिपका दिया कारीगर कर रहा है नहीं कर रहा है इसको चेक करने के लिए इसको इसका इन्वेस्टिगेटर हो और प्रोडक्शन का सुपरवाइजर हो या कोई भी टेक्निकल स्टाफ कभी भी चेक करे जैसे बराबर मिले, कभी भी कोई कारीगर अगर डिफॉल्टर मिलता है उसका ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए या शुरू शुरू में मोटिवेशन करना है। और एक टॉप रोल का जो इंटरचेंज का शेड्यूल रखना है, दूसरा चीज़ रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन मतलब जो कार्डिंग से जो डिब्बा आपके आया वो सीरियल नंबर से रहे, मतलब समझ लो आपकी 10 कार्ड है तो एक साइड में 8 डिब्बा लगेगा 1 से 8 तक या 6 का डबलिंग है जो भी है, मतलब कोई भी डिब्बा 3 डिब्बा नहीं लगे एक साइड में, ये ध्यान रखने का, एक एक डिब्बा लगने के बाद 3 डिब्बा लगे और वो मतलब एक्स्ट्रा डिब्बा मतलब फालतू की नहीं लगे। समझ लो आपको समझा देता हूँ एक बार रैंडमाइजेशन क्या चीज़ होता है, आप इसको एक बार ध्यान रखिए। समझ लो ये ड्रॉप फ्रेम है तो यहाँ पे अपन कितना 8 डिब्बा लगा है, ठीक है, 3 3 6 डिब्बा लगाए, समझ लो 6 डिब्बा अपन ब्रेकर ड्रॉइंग में दोनों साइड में लगाए, ठीक है,
आपकी समझ लो आपके पास मतलब मतलब 12 कार्ड है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 12 कार्ड है, तो 12 कार्ड है तो कार्डिंग में डिब्बा जो लगेगा नंबर से लगेगा, क्या नंबर, तो उसी हिसाब से देखो, समझ लो यहाँ एक नंबर लगा, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छः नंबर, फिर ये सात से ऐसे होके यहाँ 12 नंबर, सबका एक एक डिब्बा लग गया। अगर समझ लो आपके 10 जो 12 कार्ड नहीं होके 8 कार्ड है, तो 8 कार्ड में कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, एक से छः तक लगा, फिर इधर 7 हो गया, 8 हो गया, फिर इसमें फिर दोबारा चालू कर दिया, 1 2 3 4, आप देखो इसमें मतलब इस हिसाब में भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी डिब्बा मतलब तीन डिब्बा नहीं है, एक एक ड्रॉइंग है, इसमें देखो दो नंबर दो डिब्बा, एक नंबर दो डिब्बा, लेकिन कोई डिब्बा तीन डिब्बा नहीं है, तो इसमें रैंडमाइजेशन करने से क्या होता है, मटेरियल पूरा बहुत बढ़िया यूनिफॉर्म हो जाता है और बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और ये जैसे ब्रेकर का निकला, ब्रेकर का समझ लो एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ऐसे करके डिब्बा निकलेगा, उसमें नंबरिंग रहेगा, और जब आप ये लेफ्ट राइट डिब्बा आप मार्किंग कर दिया मतलब लिख दिया या टेप लगा दिया, सिंगल टेप डबल टेप ऐसे करके कर दिया, जब लेफ्ट राइट का आपकी निकलेगा डिब्बा निकलेगा, तो फिनिशर में आप चलाओगे, समझ लो फिनिशर ड्राइंग चलाओगे, फिनिशर ड्राइंग में आपकी समझ लो 6 डिब्बा लगता है, तो ऐसे लगाना, एक लेफ्ट रहेगा एक राइट रहेगा, एक राइट रहेगा एक लेफ्ट रहेगा, फिर एक लेफ्ट रहेगा एक राइट रहेगा, ऐसे ही 6 डिब्बा का रहेगा, 8 है तो और एक लेफ्ट राइट रह जाएगा, लेकिन सबका मटेरियल मिक्स हो के लगे, ऐसा नहीं कि कोई देखो एल वाला तीन डिब्बा मतलब ऐसे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट ऐसे कर रहेगा, तब जाके वो मेंटेन रहेगा, सीबी वगैरह उस्टर वगैरह सब बराबर आएगा, और सेड वेरिएशन भी नहीं आएगा, और ब्लेड ब्लेड वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ का बीमारी का जड़ होता है रैंडमाइजेशन, वो ड्राइंग का फंक्शन में नहीं है, इसको अपन को मेंटेन करना है, और टेक्निकल स्टाफ जो होता है इसको सही करके रखना है। उसके बाद देखिए डस्ट रिमूवल, ये ड्रॉपम जो होता है, जैसे अपना स्लाइबर से स्लाइबर खींच के ड्रफ्टिंग लोड ड्रोन जोन से लेता है, उसका अंदर हैवी सक्शन होता है, हैवी सक्शन में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल जो फाइबर से फाइबर चिपक के रहता है वो नीचे गिर जाता है, या सक्शन के थ्रू पंखा के अंदर चला जाएगा, जनरली नीचे गिर जाता है, वो बाद में दो दो घंटा में जब ड्रॉपिंग सफाई करेंगे डस्ट साफ हो जाता है। अराउंड 80% ऑफ डस्ट रिमूव्ड फ्रॉम स्लाइबर, स्लाइबर का जो 80% डस्ट होता है कार्डिंग के बाद जो डस्ट रहता है 80% डस्ट उसका रिमूव होता है ड्रॉइंग में, फिर भी 20% डस्ट रहता है। हैवी सक्शन सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, जो सक्शन सिस्टम जो निमाफिल पंखा रहता है उसमें जो ड्रफ्टिंग जोन से हवा खींच के लेता है हर पॉइंट से, वो वाला डस्ट खींच के वो निकाल देता है। अच्छा हुक रिमूवल, हुक रिमूवल क्या होता है, हुक रिमूवल के बारे में बताता हूँ। देखो जैसे अपना ये कार्डिंग का स्लाइबर है, ऐसे कार्डिंग का स्लाइबर है, कार्डिंग का स्लाइबर में क्या होता है, कार्डिंग का स्लाइबर देखो ऐसे कोई कोई फाइबर ऐसे मुड़ जाता है, कोई कोई फाइबर ऐसे मुड़ जाता है, कोई कोई फाइबर ऐसे दोनों साइड मुड़ जाता है, क्योंकि अपन ब्लो रूम में जो हैवी बीटिंग करते हैं ना, ब्लो रूम कार्डिंग में फाइबर ऐसे सीधा सीधा नहीं रहता, कार्डिंग स्लाइबर में ऐसे ऐसे नहीं रहता, कार्डिंग स्लाइबर में इसमें मैक्सिमम चीज ऐसे रहता है, मतलब ये जो देखो जो पीछे वाला मुड़ गया इसको अपन बोलेंगे ट्रेलिंग हुक, मतलब उसका पूछ मुड़ा हुआ, और जो आगे वाला मुड़ गया इसको बोलते हैं लीडिंग हुक, और जो दोनों साइड मुड़ गया इसको बोलते हैं बोथ साइड हुक। ये तीन प्रकार के जो हुक होता है ड्रॉपम में रिमूवल हो जाता है। जैसे अपन समझ लो ये स्लाइबर है, कार्डिंग का स्लाइबर ऐसे अपन फीड कर रहे हैं, ड्राइंग में फीड कर रहे हैं, जब ये खींचेगा ड्रफ्टिंग जोन में जो ऐसे वाला हुक है ना ट्रेलिंग हुक, ये ब्रेकर में खुल जाएगा, ब्रेकर में खुल जाएगा, और वो डिब्बा जब अपन फिलिंग कर देंगे ब्रेकर, फिर ब्रेकर में जो डिब्बा इसमें भर दिया अपन ऐसे ऐसे करके भर दिए, जो लास्ट में रहेगा वो पहले फिनिशर में लगेगा, जो लास्ट एंड रहेगा ब्रेकर का जो लास्ट में रहेगा वो पहले फिनिशर में लगेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ऐसे वाला हुक तो ये साफ हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा,
जो ऐसे वाला हुक होगा ये इसमें क्लियर नहीं होता, ये वाला फिर दूसरा पैसेज में ऐसे वाला हुक क्लियर हो जाएगा। ये खींचेगा जैसे ऐसे वाला हुक रहता है, ऐसे सीधा जाएगा या उल्टा हो जाएगा, स्लाइबर अपन पीछे से खींचेगा जैसे उल्टा हो जाएगा। ये जब ड्रॉप में अपन ब्रेकर चला ले, एक टाइप का हुक जो ए वाला पीछे वाला जो मुड़ा हुआ हुक स्ट्रेट हो जाएगा, जो आगे वाला मुड़ा हुआ हुक है जैसे इधर अपन डिब्बा में डाल दिए स्लाइबर, फिर जब खींचेंगे इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे खींचेंगे जो जो ट्रेलिंग हुक है जब फिनिशर में जाएगा तो वो ये हो जाएगा, मतलब लीडिंग हुक जो होता है ट्रेलिंग हुक हो जाएगा, मतलब आगे जो मुड़ा हुआ वो पीछे की साइड आ जाएगा तो वो फिनिशर में क्लियर हो जाएगा। वो बोथ साइड जो होता है वो भी आगे वाला और पीछे वाला दोनों डिलीवर में वो क्लियर हो जाता है। तो कुल मिला के अपना जो हुक फॉर्मेशन रहता है वो सारी हुक इसमें क्लियर हो जाता है, जैसे कि ट्रेलिंग हुक जो पीछे मुड़ा हुआ और लीडिंग हुक जो आगे मुड़ा हुआ, वो बोथ साइड हुक ऑल आर हुक सब क्लियर हो जाता है, कोई भी हुक इसमें नहीं रहता, ताकि स्पिनिंग में अपन को बढ़िया रहता है। उसके बाद देखो शॉर्ट फाइबर रिमूवल, ड्रॉप फ्रेम का एक फंक्शन और भी है शॉर्ट फाइबर रिमूवल। जैसे अपन कटर में 6-7% 8% तक शॉर्ट फाइबर रहता है, जब ड्रॉप फ्रेम में अपन आपको मालूम है ड्रॉप फ्रेम में गेज अपन सेट करते फाइबर लेंथ जो ऑप्टिमम फाइबर लेंथ के हिसाब से 2.5% स्पान लेंथ का, वो उसमें जो शॉर्ट फाइबर रहता है, शॉर्ट फाइबर मतलब 12 mm से नीचे वाला, वो ड्राफ्टिंग जोन दोनों साइड से फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है। वो ड्राफ्टिंग जोन में फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है तब क्या होता है, वो शॉर्ट फाइबर न्यूमाफिल फैन में चला जाता है, पंखा के अंदर चला जाता है, ऐसे वो सेग्रीगेट हो जाता है। तो शॉर्ट फाइबर रिमूवल भी एक इम्पोर्टेंट काम है ड्रॉप फंक्शन में। और लास्ट में देखो कॉइलिंग, कॉइलिंग मतलब जैसे अपन फिनिशर डिब्बा निकला वो कैन के अंदर कॉइलिंग होगा सिस्टमेटिक, ताकि वो मतलब सिंपलेक्स में या ओपनेंट में कहीं पे भी लग सकता है। तो कॉइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉइलिंग खराब होता है ये होता है तो फिर क्वालिटी खराब होगा। और ये कॉइलिंग हो गया लास्ट पॉइंट है ड्रॉप फ्रेम का। और मेरे को उम्मीद है आज ये ड्रॉप फ्रेम वाला टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।